संविधान का हमारा जो पोल्टी सीरीज का आज पांचवी वीडियो है और टॉपिक है आपका प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपके मार्केट में किसी बुक को खरीदने जाते हैं तो जिस टॉपिक को हमें कवर करना है उस वो टॉपिक पहले आप देखते हैं उस बुक की समरी में, आगे उसका इंडेक्स लगा होता है, आप चेक करते हैं कि जो टॉपिक आपको कवर करना है वो टॉपिक उस बुक में है या नहीं है। अगर वो टॉपिक होता है तो आप उस बुक को आगे लेते हैं उसे उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो उसी तरह से आप मान लीजिए संविधान जब हम पढ़ते हैं तो संविधान की समरी है, एक इंडेक्स है क्या, प्रेम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका। क्यों? क्योंकि जो संविधान के जो मूल आदर्श है, हमारा संविधान कैसा है कि क्या, कैसा इसका नेचर है, स्वरूप कैसा है, क्या इसके उद्देश्य है, तो सभी आपका इसका एक छोटे रूप में बताया गया है किसमें, प्रस्तावना में या प्रेम्बल में। तो अगर हमें संविधान को समझना है अच्छे से तो जरूरी है कि पहले हम प्रस्तावना को अच्छे से देखें कि प्रस्तावना जो है आपका क्या। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देशिका प्रस्तुत की थी। क्या की थी? उद्देशिका प्रस्तुत की थी जो हमारे संविधान के आदर्शों को दर्शाती थी। अब यही उद्देशिका जो आगे चलकर क्या कहलाए, प्रस्तावना, यानी कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जो है एक उद्देशिका पेश की थी संविधान सभा में कि वह संविधान के लिए, और ये जो उद्देशिका थी जब संविधान सभा के द्वारा पारित कर दी गई, हमारे संविधान में ऐड कर दी गई, तो इसे ही आपका क्या कह दिया गया, इसे ही आपका जो है प्रस्तावना कह दिया गया। तो ये आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि उद्देशिका और प्रस्तावना में क्या डिफरेंस है। उद्देशिका और प्रस्तावना दरअसल जो है आपका एक ही चीज है। अब इम्पोर्टेंट चीज आप नोट करें कि जो आपका प्रस्तावना है ये आपका कौन, इसके जो आदर्श है ये कहां से ली गई, आपकी जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से जो हमने अडॉप्ट की है, किसके आदर्शों से इसे हमने जो है इसे अपनाया है। तो इसे हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, याद रखिएगा कि अमेरिका से अडॉप्ट किया है, लेकिन जो प्रस्तावना में, जो प्रीएम्बल में लैंग्वेज यूज की गई है वो लैंग्वेज हमने कौन से देश से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो ये आप याद रखें कि जो इसके जो मूल आदर्श है जो हमने इंक्लूड किए हैं अपने प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में, वो आपके कहां से लिए गए हैं, आपके अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो इसमें लैंग्वेज यूज की गई है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लैंग्वेज जो है इसकी अडॉप्ट की है। और ये जो है प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, हमारे संविधान की आत्मा या कुंजी जो है कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा या जो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रेम्बल को या प्रस्तावना को कहा जाता है। अब यहां पर जो है कंफ्यूजन बनता है कि जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने जो संविधान की आत्मा किसे कहा है, इन्होंने कहा है आर्टिकल 32। तो क्वेश्चन अगर आया कि संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है, आर्टिकल 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है आर्टिकल 32 में, तो आप किसे कहेंगे, तो आप इसमें ये याद रखिएगा कि अगर पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है तो वो आप आर्टिकल 32 को कहेंगे। और अगर आर्टिकल की बात नहीं हुई है, सिंपली आपसे पूछा गया है संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो आप किसे बताएंगे, प्रेम्बल को बताएंगे, प्रस्तावना को जो है आप बताएंगे। ओके, तो ये थी इम्पोर्टेंट चीजें। अब हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो आपका शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है और इसकी एंडिंग होती है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई कि जो प्रस्ताव जो है ये हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब ये जो है अंगीकृत की गई हमारे संविधान में प्रस्तावना। तो ये क्या है, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, मतलब उसे जो है क्या किया गया था, इसे यहां पर जो है अपनाए जाने की बात की गई थी। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है पूरी तरह से हमारा तैयार हो गया था, लेकिन अभी ये सिर्फ अंगीकृत किया गया था, अभी ये लागू नहीं किया गया था। हमारा संविधान लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो इस चीज में कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर सिर्फ पूरी तरह से तैयार होकर जो है संविधान रेडी हो गया था,
लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हो गया। अब हमारा जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप क्या है, क्या उसमें बताया गया है, ये सब चीजें हमें डिस्कशन करनी है। और इसमें शुरू में जो चार शब्द है वो है हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है? तो कई बार पूछा जाता है कि अगर देखें तो इसका मतलब है कि जो हम भारत के लोग यानी कि जो संविधान है, प्रस्तावना मैंने शुरुआत में ही बोला प्रियम्बल जो है आपके संविधान की एक समराइज्ड है, एक समरी है, एक शॉर्ट रूप है जिसने संविधान को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है एक छोटे से रूप में। तो हम भारत के लोग यानी कि जो हमारा संविधान है उसका जो मेन सोर्स क्या है, संविधान का मेन सोर्स क्या है? भारत की जनता। तो संविधान क्या जो मेन क्या है, संविधान का जो मेन शक्ति जो जिसे मिलती है वो किससे मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। तो हम भारत के लोग जो शुरुआत में प्रस्तावना में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो हम भारत के लोग यानी कि जो सबसे पहले तो संविधान क्या है, हमारा जो प्रमुख सोर्स है यानी कि संविधान को एक सर्वोच्चता दी गई है जिसका मेन जो सोर्स है वो क्या है? भारत की जनता है। संविधान को जो प्रमुख शक्ति देती है वो कौन देती है? भारत की जनता जो है देती है, हम भारत के लोग जो है देते हैं, अपने संविधान को सर्वोच्चता जो है देते हैं। तो ये हो गया इसका सोर्स, हो गया भारत की जनता जो कि संविधान को सर्वोच्चता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना का जो स्वरूप है, तो नेचर क्या बताया गया है प्रस्तावना में कि जो संविधान का जो नेचर है उसका स्वरूप जो है वो कैसा होगा। तो ये पांच शब्द बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि अब जो है हमें संविधान में बताया गया है कि अब हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल पावर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम जो है अपने हमें पूरी आजादी है, हमारा देश अब किसी देश के गुलाम नहीं है, हम पूरी तरह से संप्रभु हो चुके हैं, पूरी तरह आजादी है कि हम जो है अपने डिसीजन जो है अपने देश के लिए इंडिपेंडेंटली ले सके, हमें किसी बाहरी शक्ति पर अब डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो जो क्या है एक संप्रभुत्व संपन्न यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश अब होगा। समाजवादी, समाजवादी से मतलब है कि समानता, और ये जो भारत में संविधान में जो समाजवाद की बात की गई है तो जो यूरोप का कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था वो उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वहां जो यूरोपीय जो समाजवाद से मतलब है कि वहां पर जो समानता थी यानी कि जो कमजोर वर्ग और जो उच्च वर्ग के बीच में जो समानता तय की गई थी वो संघर्ष के माध्यम से समानता ली गई थी, लेकिन भारत में किसी संघर्ष के माध्यम से नहीं, आराम से जो है गांधी जी के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू के विचारों से, उनके आदर्शों से जो समाजवादी की जो परिभाषा यहाँ पर अपनाई गई है कि जो है बड़े आराम से जो है यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पर समान होंगे बिना किसी संघर्ष के, यहाँ पर जो है लोगों के बीच जो है समानता जो है अपनाई जाए। तो यहाँ पर याद रखें कि गांधी जी के विचारों से और जवाहरलाल के जो आदर्शों से जो यहाँ पे समानता जो है हमारे संविधान में जो समानता की बात की गई है वो उनके आदर्शों से ली गई है। तो ये है समाजवादी यानी कि सभी के बीच समानता होगी। पंथ निरपेक्ष की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, पंथ निरपेक्ष की यहाँ पर हमारे देश का, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा जो है, अगर धर्म होगा तो इंडिविजुअल लेवल पर होगा, किसी पर्सन का धर्म हो सकता है लेकिन किसी हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे जो है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सॉरी, लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो कोई भी जो धर्म है वो अपना सकते हैं। तो ये है पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक, तो हमारा जो देश है एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मतलब कि यहाँ पर जो है भारत के लोगों को आजादी है कि यहाँ पर जो है आप आराम से रह सके, यहाँ पर शासन कर सके। आप जो है अब्राहम लिंकन की जो है डेफिनेशन से ये लोकतंत्रात्मक जो डेफिनेशन है समझ सकते हैं कि जो लोकतंत्र क्या है, जो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों की सेवा है, मतलब पूरी तरह से लोगों को समर्पित है, आप इंडिपेंडेंटली जो है अपना जो डिसीजन है ले सकते हैं। ओके, तो लोकतंत्रात्मक समझ गए, और भारत जो है बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि लोगों को आजादी है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं अपनी, लेकिन एक लिमिट में, दायरे में रहते हुए यहाँ पर आप कर सकते हैं, लोगों की, लोगों के लिए और लोगों का जो है एक देश, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश की बात की गई है। गणराज्य यानी कि गणतंत्र, गणतंत्र से मतलब क्या है? लोकतंत्र और गणतंत्र में लोग अक्सर जो है थोड़े कंफ्यूजन कर जाते हैं।
ये तो लोगों का जो है, आप लोगों के जो देश की बात की गई है, लोगों के सरकार, लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए। लेकिन यहाँ पर गणतंत्र से मतलब है कि जो यहाँ पर जो संवैधानिक पद हुए, संवैधानिक उच्च पद जो आपके जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री के जो पद है, ये वंशानुगत नहीं होंगे, ये लोगों के द्वारा चुने गए जो है पद होंगे। आपके जो संवैधानिक उच्च पद होंगे वो लोगों के द्वारा चुने गए होंगे, वो वंशानुगत नहीं होंगे, या चुने चाहे वो डायरेक्टली जाए या इनडायरेक्टली चुने जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से वंशानुगत नहीं होंगे। तो ये डेफिनेशन है गणतंत्र की, यहाँ पर जो संवैधानिक पद है वो आपके वंशानुगत नहीं होंगे। तो ये था स्वरूप कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा। नेक्स्ट है उद्देश्य कि संविधान के हमारे उद्देश्य क्या होंगे, जिसमें पहला है न्याय। इसमें न्याय में हमारे तीन तरह के न्याय की बात की गई है। एक होता है सामाजिक न्याय, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। अब एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि हमारे जो किस न्याय की जो बात है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में नहीं की गई है, तो यहाँ पर धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक से मतलब आपकी समानता, सभी के लिए समान न्याय होगा। आर्थिक, सभी के लिए कोशिश की जाएगी कि सब जो है एक अर्थ के लेवल पर आर्थिक रूप से जो है सब एक समान हो। राजनीतिक जो है आप किसी भी तरह जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी को बना सकते हैं, सभी कोशिश की जाएगी कि सब जो है राजनीति का जो है हिस्सा बने और मतलब राजनीति में जो है पार्टिसिपेट करें। तो न्याय सबके लिए जो है होगा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तौर पर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की यहाँ पर जो है हम सभी लोग जो है स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसके बारे में हम एक प्रॉपर देखेंगे, जो आर्टिकल 19 है हमारे मौलिक अधिकारों में पूरा बताया गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें क्या क्या है। तो स्वतंत्रता जो है हमें है। उसके बाद समता से कि सबको समानता का दर्जा होगा, समता समानता। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है गरिमा होगी, प्रत्येक भारतीय को जो है गरिमा से जीने का अधिकार होगा, जिसे आर्टिकल 21 में भी जो है आपका इंक्लूड किया गया है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, तो बड़ी मुश्किल से हमारा देश आजाद हुआ और कोशिश रहेगी कि देश की बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के आराम से सब एकजुट होकर यहाँ पर रह सके, जो है देश की एकता और अखंडता की जो है इस तरह का कोई काम ना किया जाए जिससे कि हमारे देश में कोई जो है फूट आए, मतलब वो टूटे, है ना। तो एकता और अखंडता के लिए प्रयास किए जाएंगे। और बंधुता का मतलब क्या है, भाईचारा, कि सभी भारतीय लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से भाईचारे से जो है आप रहेंगे। तो ये थे हमारे उद्देश्य जो की प्रस्तावना में दिए गए हैं कि हमारा जो संविधान होगा उसका क्या उद्देश्य होगा। तो ये था कि पूरा प्रस्तावना का निचोड़ किया है, क्या उसका स्रोत है भारत की जनता जिसने संविधान को सर्वोच्च माना है, नेचर स्वरूप कैसा है और उद्देश्य जो है आप कैसा है। उसके बाद दो जो है विचारक हुए थे आपके N.A. पालकी वाला, इन्होंने आपकी प्रस्तावना को क्या नाम दिया है, परिचय पत्र। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया, N.A. पालकी वाला के द्वारा। और अल्लाह दी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार इन्होंने कहा। अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना है इसे जो है इसमें कुछ जो है चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते, कि ये जो है ज्यूडिशियल रिव्यू इस पर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो बेरोबारी संघवाद जो कि 1960 में आया, इसमें कहा गया कि जो है प्रस्तावना जो है आपके संविधान का इस हिस्सा नहीं है, इसलिए संविधान जो प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका आया केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, जो कि 1973 में आया, कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो प्रस्तावना है वो आपका जो है कि क्या है, आपके संविधान का हिस्सा है और इसलिए इसमें संशोधन जो है किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये आपका मूल जो संविधान का मूल ढांचा है उस पर इसका कोई इफेक्ट ना हो। तो संविधान के मूल ढांचे की सबसे पहले जो बात की गई वो कहां की गई, केशवानंद भारती केरलवाद में जो है की गई, जो कि 1973 में आया। और इसी में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो आपका क्या है, संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, और लेकिन इस शर्त पर कि इसमें संविधान के मूल ढांचे पर इसका कोई असर ना पड़े। इसके बाद 1973 में जब ये बात आ गया कि जो आपका प्रस्तावना है आपके संविधान का हिस्सा है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो उसके बाद संशोधन आपका हुआ। और संशोधन हुआ आपका कब,
42वां संविधान संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, और इसमें क्या है आपके जो प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, और तीन शब्द वो आपके क्या है, वो थे आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और थर्ड शब्द जो जोड़ा गया वो था आपका अखंडता। तो ये तीन शब्द जो है आपके प्रस्तावना में जो है जोड़े गए, आपके जो है प्रेम्बल में जोड़े गए। बाकी जो ये सारे शब्द हैं आपके प्रस्तावना में पहले से थे, तो ये समाजवादी, पद निरपेक्षता और ये जो अखंडता शब्द है ये बाद में जोड़े गए हैं, बाकी सारे जो शब्द हैं वो पहले से ही आपके मूल संविधान में थे। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल, जो कि हमारे संविधान के मूल आदर्शों को जो है दर्शाती है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिससे हमें पूरा पता लग जाता है कि हमारे संविधान में उसके क्या उद्देश्य है, कैसा उसका नेचर है, क्या सोर्स है हमारे संविधान का, क्या है भारत की जनता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया है। नहीं समझ आता तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के बस इतना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के बस इतना ही, थैंक यू सो मच।